नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी द फिक टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं बाबा राम रहीम जी के अनुयायियों से मिलने के लिए। तो आइए पूछते हैं, मैम आपका नाम? मेरा नाम विद्या, संगरूर से। आप कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं? कम से कम 25 साल हो गए हैं। आप 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं, तो क्या अब भी आप लगातार डेरे में आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। आपका पूरा परिवार डेरे से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। मेरे मायके पूरा सारा परिवार सारे आते हैं। आप डेरे में आ रहे हैं, तो डेरा आज बहन बेटियों के लिए कितना सेफ है? जितना समाज इतना आज बुराई में उतरा है ना समाज, उससे ज़्यादा तो हम डेरे पे विश्वास करते हैं। डेरे में हम इतने सेफ है ना कि हमको ये लगता नहीं कि हम कहीं और कोई दूसरी जगह पे आए हुए हैं। इतना हम अपने आप को सेफ समझते हैं। आज आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है, जन्मदिन मनाने, खुशियाँ लेने आए हैं गुरु जी से। आप सरकार से डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या अपील करना चाहोगे? अपील यही करना चाहेंगे कि भी मतलब कि भी गुरु जी को छोड़ा जाए, मतलब कि भी उनका कोई भी कसूर नहीं है, ठीक है। तो जो भी उनके ऊपर केस लगाए हुए हैं, उनके ऊपर दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, उनको छानबीन करनी चाहिए। कल एक चिट्ठी के आधार पे उनको सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप समाज को डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि भी आके यहाँ के देखें, यहाँ आके मतलब कि भी कितनी यहाँ पे सच्चाई है, कितना यहाँ सम्मान करना सिखाया जाता है बहन बेटियों का, और दूसरों का भला करना सिखाया जाता है, मानवता की सेवा करना सिखाई जाती है यहाँ पे। मतलब कोई भी ऐसा अच्छा काम यहाँ नहीं है कि जो नहीं सिखाया जाता, सभी यहाँ पे अच्छे काम सिखाए जाते हैं। थैंक यू मैम।